चलिए आपको मैं दिखाता हूँ चिकन ब्रेस्ट को टेस्टी कैसे बनाते हैं। पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है बहुत ज्यादा मत डालना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर थोड़ा गरम मसाला लेंगे, थोड़ा सा 20 ग्राम कर्ड, 30 ग्राम कर्ड, फिर हमारे पास है शेजवान चटनी। कैलोरी में सबकी कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। 10 ग्राम शेजवान चटनी, जैसे हम चिली चिकन और चिली पनीर में करते हैं। घी डालने के बाद उसको पूरा फैला लेंगे ताकि हमारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिपके ना पैन में। ट्राई करना कि आप नॉन स्टिक ही यूज़ करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब हम डालेंगे पहले थोड़ा चिली, इसको 5 मिनट तक हमें ढक के रखना है, उसके बाद फिर हमें अपना चिकन डाल देना है। ये रहा हमारा मैरिनेटेड चिकन जिसको हमने 10 टू 15 मिनट मैरिनेट करके रखा था। चिकन को वैसे डाल देंगे, स्पीड में कर दूंगा ना मैं। तो गैस, प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, हम इसको काट के चेक करेंगे। अगर ये कट जाता है तो रेडी है। अगर इसमें रेडनेस कुछ नहीं है और चिकन वाइट हो चुका है तो इसका मतलब चिकन हमारा कुक है। अब इसे हम थोड़ा सा तो 5 मिनट्स के लिए फिर से ढक दें। फिर डालने के बाद उसको ढकने का रीजन ये है कि जो हमारा कोरिएंडर का फ्लेवर है और उसका अरोमा है वो चिकन में पूरे अच्छे से फैल जाएगा और वो खाने में बहुत मजा आएगा। इसको हम सर्व करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।